हाय फ्रेंड्स, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं रेल इंडिया टेक चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लिस्ट में कैसे देखें कि अपना नाम अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हो गया है, पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रेल इंडिया टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रेल इंडिया टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो दोस्त, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लिया है और साथ में मैंने एक वेबसाइट भी ओपन कर रखा है, जिस वेबसाइट का नाम है pmfby.gov.in। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से कि डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो दोस्त, अब अपने को यहाँ पर क्या करना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अपने को मतलब लिस्ट में चेक करना है कि अपना नाम रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है, पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे जो एक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आता है दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो चौथा नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन स्टेटस का, इस पर अपने को क्लिक करना होता है। तो दोस्त, आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आ चुका है। जब आप एप्लीकेशन आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं, उस समय आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर टाइप करना होता है, जिसके भी पास से आप अप्लाई करवाते हैं या खुद से अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर टाइप करना होता है, डालना होता है। चलिए मैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, अपने को यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चा, ये जो सामने दिख रहा है, इस नंबर को यहाँ पर टाइप करना होता है। चलिए मैं इस नंबर को यहाँ पर टाइप कर देते हैं, जो भी है, आई है, बधाई है और CN। ठीक है दोस्त, अब अपने को यहाँ पर चेक स्टेटस पे क्लिक करना होता है। इनवैलिड कैप्चा हो गया। चलिए दोस्त, फिर से मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। यहाँ पर और फिर से मैं चेक स्टेटस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्त, आप यहां पर देख सकते हैं चेक एप्लीकेशन स्टेटस, यहां पर एप्लीकेशन सबमिटेड है। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा हम इसे ऊपर करेंगे, यहां पर पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है। यहां पर इनका जो पेमेंट है, ये सक्सेसफुल इनके अकाउंट में पेमेंट जा चुका है। ठीक है दोस्त, यहां पर आप नीचे में देखेंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस जो है यहाँ पर अप्रूव्ड दिखा रहा है। अगर दोस्त आपका यहाँ पर अगर रिजेक्ट हो गया है, तो आपको दोस्त घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होता है कि जिसके भी पास से आप अगर आप अप्लाई करवाते हैं, उसके पास जाना होता है और उस फॉर्म को फिर से दोबारा से अप्लाई करवाना होता है, क्योंकि कुछ दिक्कत हो जाता है या कुछ गलती हो जाता है, जिसके कारण आपका फॉर्म मतलब अप्रूव नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, कोई कारण होता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त, मैं इस वीडियो के पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।